हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता ही होगा सीजीडीएमई ने कुछ समय पहले अपने वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दिया, जहां से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस बार जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी एमबीबीएस बीडीएस और बीपीटी के एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी वो 50% होगी, ना कि 58% होगी। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो 58% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है कि 50% रिजर्वेशन पॉलिसी ही फॉलो होगी। अब 58% में क्या होता था कि एसटी को 32% दिया जाता था, एससी को 14%, एससी को 12% दिया जाता था, ओबीसी को 14% दिया जाता था और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाता था। बाकी जो बची हुई सीट्स होती थी वो अनरिजर्व की होती थी। और 50% में क्या होता है कि एसटी का 32 से 20 कर दिया जाता है, मतलब 12% कम कर दिया जाता है, इनको बहुत अच्छा खासा लॉस होता है जिस वजह से। और एससी का जो है वो 12 से 16 कर दिया जाता है, मतलब इनको फायदा होता है। और ओबीसी का 14% ही रहता है, लेकिन इनको भी फायदा होता है क्योंकि यहाँ पे अनरिजर्व को फायदा होता है और ओबीसी के बहुत सारे बच्चे जो है वो अनरिजर्व की सीट लेके जाते हैं। तो एससी ओबीसी अनरिजर्व इनको फायदा होता है, ईडब्ल्यूएस को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 10% ही रहता है और यहाँ पे एसटी को घाटा होता है। तो मैं आपको पहले मोटा मोटा ही बता दूं कि एसटी को अभी कितनी सीट्स का घाटा हो रहा है 58% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो ना होने की वजह से, 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होने की वजह से। तो एसटी वर्ग को यहाँ पे 110 से 120 सीट्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 110 से 120 सीट उनकी कम हो रही हैं। और सीट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हो जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे फायदा जो हो रहा है वो एससी को हो रहा है 40 से 50 सीट का, अगर हम अनरिजर्व और ओबीसी की बात करें तो उनको भी 40 से 50 सीट का यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। तो इन लोग को, मतलब इन कैटेगरीज को यहाँ से फायदा हो रहा है 50% रिजर्वेशन पॉलिसी से, लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी को घाटा भी हो रहा है। तो बेटा, रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होनी चाहिए वो तो बड़े लोग ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे 120 सीट को वहां पे लॉस हो रहा है और 50 से 60 सीट को यहां पे एससी को फायदा हो रहा है, अनरिजर्व ओबीसी को 50 से 60 सीट दोनों को मिला के फायदा हो रहा है। और जब अनरिजर्व को फायदा होता है तो ऑब्वियस बात है ओबीसी को होता ही होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ओबीसी के बहुत सारे बच्चे जो है वो अनरिजर्व की सीट उठाते हैं यहां पे। तो अब सर कट ऑफ बता दीजिए, जैसे कि आप पहले 58% के हिसाब से बता रहे थे कि अनरिजर्व का 530 जाएगा, ओबीसी का 528 जाएगा, और आपने बताया था सर कि एससी का जो है वो 430 के ऊपर जाएगा। अब क्या एससी का कट ऑफ कम हो? हाँ बिल्कुल होगा। और सर आपने बताया था एसटी का 310 के आसपास रहेगा और ईडब्ल्यूएस का आपने 470 के आसपास बताया था सर। तो अब क्या होने वाला है? तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ क्या आया था, लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या डिफरेंस आया, वो सब चीज़ अपन समझते हैं। तो देखो, लास्ट ईयर भी हमारी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी ही फॉलो हुई थी और इस बार भी हमारी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी ही फॉलो हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर से यहाँ पे कुछ बदला है। बदला ये, नया कॉलेज कोई भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 90 सीट का फायदा हुआ। आप जानते हैं जेएनएम में 50 सीट का फायदा हुआ है और रायगढ़ में 40 सीट का फायदा हुआ हो, तो यहाँ पे 90 सीट का फायदा हुआ, मतलब ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे फायदा ही दिख रहा है। अब इसमें जो 90 सीट का फायदा हुआ उसमें अनरिजर्व और ओबीसी को 25 से 30 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एसटी को भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो फायदा ही हुआ है क्योंकि ओवरऑल 90 सीट का फायदा यहाँ पे हुआ है। तो हर एक कैटेगरी को यहाँ पे फायदा हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। लेकिन सर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर फायदा हुआ है तो लास्ट ईयर तो अनडिजर्व का कट ऑफ 513 गया था, तो अगर 513 गया था तो उस बार 513 से ऊपर नीचे जाना चाहिए फिर तो, मतलब 513 से भी कम जाना चाहिए। सर्दी हो गई बेटा, कोई बात नहीं। तो इस बार तो 513 से कम जाना चाहिए, बाकी कैटेगरीज का भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कम ही जाना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार आप ये समझिए कि लास्ट ईयर 515 मार्क्स पे जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 73,000 थी और इस बार अगर हम बात करें 515 मार्क्स पे तो 94,000 रैंक स्टेट है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑल इंडिया रैंक से, लेकिन फिर भी अगर 1% का भी हम फर्क माने तो 200 बच्चे यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब वैसा नहीं होने वाला जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, ये तो बिल्कुल तय बात है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपन ये देख लेते हैं इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉलेज हमारे यहाँ पे कितने हैं। तो आपको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ पे वो 10 हैं, उसमें भी आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1460 है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा 15% है, जिसमें कि 214 सीट निकल के आती है, सेंट्रल नॉमिनी की 3% निकल के आती है, जिसमें कि आपको पता है कि 39 सीट्स आती है, और फिर बाकी बची हुई सीट्स जो है वो स्टेट कोटा की हो जाती है जो कि 1207 है। अब इसमें भी एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको 16% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 14% और बाकी बचा हुआ इनका है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 1260 यहाँ पे 1207 देखने को मिल जाएगा, 1260 नहीं 1207 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब कट ऑफ क्या जाएगा सर, इस बार ये बता दीजिए। तो देखिए, मैं जल्दी से आपको कट ऑफ बता देता हूँ क्योंकि मेरा गला बोलने वाला है, और गला बोलने से पहले मैं आपको जल्दी से कट ऑफ बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ईयर जैसा नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि लास्ट ईयर 513 गया था तो इस बार तो सीट्स बढ़ गई हैं तो 510 चला जाएगा या 511 चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी होने
होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अभी जो मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ जाएगा वो मेरे हिसाब से 524 प्लस जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 529 नंबर पे बहुत सारे बच्चे थे, है ना, फिर आप पाएंगे कि 528 पे भी बहुत सारे बच्चे थे, है ना, फिर आप पाएंगे कि 526, एक एक नंबर पे 13-13 बच्चे होते हैं, एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आप ये समझिए कि 40-50 सीट या 70-80 सीट बढ़ जाने से ज्यादा फायदा होने वाला आपको नहीं है, 4-5 नंबर ही कट ऑफ करिएगा, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 522 या 521 प्लस पे मिल सकता है, एससी की बात करें तो 410 प्लस पे मुझे लग रहा है मिल जाएगा, एसटी की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब 325 प्लस पे उनको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर हम तो बोलोगे सर एसटी का ओवरऑल सीट्स तो बड़ा है तो फिर लास्ट ईयर से कट ऑफ क्यों आप बढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर तो 313 गया था तो इस बार तो 313 से कम जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया रैंक 20-25 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है लास्ट ईयर के मार्क्स और इस बार के मार्क्स पे, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ को, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 1% भी लेके चलें तो भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रैंक 20 हज़ार खिसक जाने एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है। और अगर हम बात करें EWS की तो EWS क्या मुझे यहाँ पे लगता है कि EWS का यहाँ पे 465 प्लस में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर इसके आपके मार्क्स 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन 4-5 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये तय बात है बेटा, है ना। और साथ ही साथ फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 6 अगस्त के आसपास आ जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिए 528 के आसपास अनरिजर्व का कट ऑफ जाएगा, 528-530 के आसपास जाएगा, फिर 3-4 नंबर का सेकेंड राउंड में गिरेगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसे ही होने वाली है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बेटा, इसलिए अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।